हेलो दोस्त, जैसा कि आपने न्यूज़ देख रखा होगा, न्यू कैंडिडेट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन की जॉब इंक्रीज हुई है, 4100 कुछ वैकेंसी, यानी करीब करीब 4150 14298। एलपी में क्यों नहीं हुआ, आपका मन में सवाल होगा। साथ में चैनल बड़ा नहीं होता, एक्सपीरियंस बड़ा होती है जब आपको अनुमान लगाना हो। बाकी कागजे किताबें पेपर कटिंग सब लोग पढ़ लेते हैं जो भर्ती में आते हैं, जो कैंडिडेट आईटीआई डिप्लोमा करके जॉब अप्लाई करते हैं तो उन्हें तो पढ़ना आता ही है। लेकिन आप डिटेल से और दिल से एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है जिसका परिणाम सुखद होता है। हालांकि हर चीज़ संभव नहीं है कि क्या हो सकता है। लेकिन अब एक ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो कुछ लोगों का कमेंट है कि फिर से एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा तो सीबीटी कब होगा। बिल्कुल जायज़ सी सवाल है। एग्ज़ाम कैलेंडर दिया था रेलवे ने, उसको पूरा भी करना कर्तव्य रेलवे का है। एलपी का अगस्त लास्ट है, वो भी फेल हो रहा है, रेलवे का कर्तव्य है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हर बार वैकेंसी को डिले होते ही जाता है, ये फैक्ट है। ये कैंडिडेट का मानना भी जायज़ है और रेलवे ने एग्ज़ाम ईयरली का बोला था, वो शायद अभी नहीं पॉसिबल होते हुए दिख रहा है, कुछ ना कुछ डिले होते हुए हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका ये जो वैकेंसी बढ़ा है, न्यू कैंडिडेट के अप्लाई करने का मौका एलपी में क्यों नहीं दिया, यहाँ दिया, इसका एक सिंपल सा मकसद है कि यहाँ पे 22 कैटेगरी ऐड हुए हैं। एलपी में कैटेगरी नहीं ऐड हुआ था, केवल पोस्ट बढ़ा था, यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। अब जब कैटेगरी ऐड हुआ, मान लीजिए कोई डीजल एंड ड्रॉइंग से कर रखा होगा, पहले उसके लिए कोई पोस्ट नहीं था, अब पोस्ट उसके लिए है। पहले किसी का मेडिकल B1, C1, B2, C2 था, उसके लिए पहले नहीं पोस्ट था, अब व्हाट्सएप को पोस्ट जुड़ा है, उसका पोस्ट हो जाएगा। तो वंचित नहीं कर सकते उस कंडीशन में कि आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप नहीं भर सकते। इसलिए 15 दिन का लिंक दिया है, 15 दिन का लिंक अभी शॉर्टली आएगा, उसमें जुड़ेगा। लेकिन कैंडिडेट के लिए ये बेनिफिट है, इसको गलत तरीके से नहीं लेंगे। हालांकि जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे उनके लिए ऑलरेडी आरआरबी का ऑप्शन चेंज करना और पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों का जो कहना है कि ऐसा होगा तो मेरा ही लॉस होगा। तो देखिए, लॉस तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट देखती है ये कि मैंने क्या किया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है और उससे कितने लोगों को इफ़ेक्ट पड़ेगा और क्या कानूनी लड़ाई पड़ सकती है। अगर मान ली आरआरबी ने किसी को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया तो सीधा से बोलेगा कोई भी कि मैं तो पहले इसलिए अप्लाई नहीं किया था कि मेरे लिए कोई पोस्ट नहीं था, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं था, मेरा सारी चीज़ें नहीं था, इसलिए अप्लाई करने के लिए मौका दिया है। और जो जो कैंडिडेट पे चैनल जुड़े हुए हैं, चैनल छोटा है बड़ा है, व्यू आता है नहीं आता है, वो सब एक काल्पनिक चीज़ें हैं। लेकिन कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट हमेशा सही हो रहना चाहिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं UR के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन कंसेप्ट देखें तो UR मतलब अनरिजर्व होता है, और अनरिजर्व हर व्यक्ति है जो मेरिट में टॉपर लाने की कैपेसिटी लगता है, पढ़ता लगता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या OBC के कमदायित से हो, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो, इवन EWS जो जनरल वाले ही हैं उनकी हो, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ जो टेक्निकली सही हो, ना कि किसी व्यक्ति का किसी पर्सनली ये कैंडिडेट ये है UR में है तो ये सब नहीं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती है, एक के पक्ष में बोलिएगा लगेगा जो कानूनी सही रहेगा वो आप बात करेंगे तो दूसरा जिसके पक्ष में नहीं होगा वो नाराज होगा, ये सिंपल से फैक्ट है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें काल्पनिक है, कोई व्यक्ति का कोई YouTube पे दुश्मन नहीं है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर दुश्मन नहीं है तो कोई इतना बड़ा दोस्त भी नहीं है कि कोई किसी के लिए बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन ईमानदारी और टेक्निकलिटी सही कभी हटनी नहीं चाहिए, उसका प्रयास हमारा जारी रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।